देखिए, आपने भी कल देखा होगा दिल्ली पुलिस की जो बर्बरता है, इससे ज़्यादा बर्बरता नहीं हो सकती। बड़े शांतिपूर्वक धरना चल रहा है और सभी लोग धरने पर समर्थन देने के लिए जो भी लोग जा रहे हैं, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। और अगर उसमें भी दिल्ली पुलिस को ये लाठी चार्ज करना पड़ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा ये तो अंग्रेजों के राज में भी ये चीज़ नहीं थी जो आज आज़ाद भारत में देखने को मिल रही है। सियासी अखाड़ा है, उसमें तब्दील बताया जा रहा है कि आरोप लग रहे हैं जंतर मंतर वाले धरने को कि सियासी, देखिए इसको सियासी अखाड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि जो वो खिलाड़ी हैं वो भारत की शान है और उनको अगर न्याय जब तक नहीं मिलता तो हर व्यक्ति का ये धर्म और कर्म है कि उनके समर्थन में जाएं। और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से लोग जा रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कोई जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को रोका गया, अगर आपको आपको भी रोका गया, कांग्रेस के और नेता को रोका गया, तो क्या अगली रणनीति रहने वाली कांग्रेस पार्टी की? देखिए अभी हमने आज का ये किया है कि शाम को हम कैंडल मार्च भी निकालेंगे और पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में कैंडल मार्च निकाला जाएगा और कल हम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन भी देंगे। विधायक जी, जो बेटियां देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ा दी थी, आज वो तिलकती नजर आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि बड़े दुख की बात है कि जब उन बेटियों ने देश के लिए मेडल जीता और पूरी दुनिया में झंडा लहराया, तो उस टाइम तो आदरणीय मोदी जी भी जो है उनका सम्मान में जो तालियां बजा रहे थे और उनको खुशी मना रहे थे। लेकिन आज वो ही बेटियां थाने में बैठ कर रो रही हैं, एक बार भी कोई प्रतिनिधि ये सरकार की तरफ से ये नहीं उनसे पूछने के लिए पहुंचा कि भाई आपकी समस्या क्या है, आपका दुख क्या है। आप जंतर मंतर के लिए रवाना हो रहे हो जी? अगर रोकती है दिल्ली पुलिस, रोक देखते हैं जी, रोकेगी तो भी हम अपनी कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने की।